हेलो बेटा जी कैसे हो आज हम कर रहे हैं थ्योरम सीरीज चैप्टर है हमारा सर्कल्स और आप देख ही सकते हैं जो हमारी थ्योरम हम अभी करने वाले हैं वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल बहुत ही इजी थ्योरम है बेटा तो सबसे पहले जो हमारा गिवन डेटा है बेटा गिवन डेटा में हमारे को एक तो सर्कल दिया हुआ है सर्कल और सर्कल के लिए हमारी जो नोटेशन होती है सी ओ आर हम वो ले लेते हैं इसमें हमारे को दिए हुए हैं दो पॉइंट्स ए एंड बी Are two points on the circle and P and Q are two points in the major segment. तो ये हमारे मेजर सेगमेंट में दो पॉइंट हैं पी और क्यू हमने जो प्रूव करना है वो सिंपल है हमारा बेटा ए पी बी और एंगल ए क्यू बी जो भी हमारे दो एंगल बना रही है ये ए बी आर उन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है कंस्ट्रक्शन बेटा जी हमने जो है ओ से दोनों पॉइंट ज्वाइन किए हैं तो हम यहां पर लिख देंगे वी ज्वाइन ओ एंड ओ बी जो हमारा प्रूफ है बेटा जी उसमें हम सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है जो डिग्री मेजर थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं तो यहां पर जो है वो हम लिख देते हैं एंगल सब्टेंडेड बाई एन आर्क एट देंटर ऑफ अ सर्कल ज डबल देंगल सबेड बाय द सेम आर्क इन दल्टरनेट सेगमेंट और ये अल्टरनेट सेगमेंट बेटा जी जो हमारी एनसीआर के अंदर जो लैंग्वेज है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वही अल्टरनेट सेगमेंट है मतलब अगर हम ए बी इसकी बात कर रहे हैं तो इस पार्ट को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट है तो वो अल्टरनेट सेगमेंट हो जाता है बेटा अब ये जो है ये हमने सबसे पहले स्टेटमेंट पूरी दे दी और इसके बाद हमने जो है जस्ट देअर फोर करके यहाँ पर दो इक्वेशन ले लेनी है दोनों इक्वेशन जो है वो हमारी क्या होंगी सबसे पहले हम इक्वेशन लेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल ए पी बी एंड जो दूसरी हमारे पास है वो हम लेंगे बेटा जी ए बी इज डबल देंगल ए क्यू बी तो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से कि हमारे जो दो एंगल हैं बेटा वो आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू और जो भी हमारे पास एंगल्स हैं जैसे कि हमारा एंगल ए पी बी वो हमारा इक्वल हो गया ए क्यू बी के और बस हमारी सबसे अच्छी जो स्टेटमेंट होती है पूरी थ्योरम की सबसे लास्ट वाली हेंस प्रूव तो बेटा जी अगर मेरे समझाने का तरीका मेरे करने का मेथड जो है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आगे भी हम इसी तरीके से और भी चैप्टर्स अलग अलग क्लासेज में कर सकें So friends that's it for this video if you want to know about our latest uploads Please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.